अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इंटरटेनिंग चैनल चाचा लाल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, आज इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान एक ऐसा मुकाबला हो रहा है जिसका फ़ायदा जीतने वाली टीम को होगा, लेकिन उसके अलावा अगर इंग्लैंड ये मैच हारती है और इंडिया ये मैच जीतती है तो इसका फ़ायदा इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी होगा। लेकिन बज़ाहर आज के मैच की पोजीशन देखकर ये लग रहा है कि जैसे इंडिया आज के मैच में को जीतने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर करना चाहता है। लेकिन अगर इंडिया की ये साजिश है तो इंडिया अपनी साजिश में नाकाम हो सकता है अगर पाकिस्तान अपना मैच बांग्लादेश के साथ जीत जाए, और इंग्लैंड का जो दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है अगर वो हार जाती है तो फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इंडिया की ये चाल तब नाकाम होगी कि अगर इंग्लैंड आज का मैच नहीं हारता और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मैच हार जाता है तो इंडिया बुरी तरह नाकाम होगा, और देखने में फिर ये चीज़ आएगी कि मुमकिन है सेमीफाइनल या फाइनल का मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सकता है। शायद इसी से खौफ खाते हुए इस वक्त इंडिया अपना मैच जो कि इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, एक बड़े स्कोर्स की तरफ इंग्लैंड इस मैच को खींच के ले गया है। शायद इंडिया ये स्कोर चेज ना कर सके। अगर इंडिया ये स्कोर चेज ना कर सका तो आज की यकीनी शिकस्त इंडिया को होगी, जिसकी रसवाई का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। शायद वो अपनी रसवाई पाकिस्तान की खातिर बर्दाश्त कर लें, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में खड़ा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह बांग्लादेश को मैच हराने के बाद और अगला मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया, यकीनन ये मैच कभी भी इंग्लैंड के साथ नहीं हारेगी, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान पॉइंट स्कोर के हिसाब से चौथे नंबर पर आ जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह।